आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। हम फिनॉल या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे फिनॉल होते हैं क्या। आप जानते होंगे कि बेंजीन, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक षटभुज के आकार की होती है। जो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दी है। ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई और बेंजीन के हर एक कोने पर आप जानते हो कि एक हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यदि हम इस हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह से डिस्प्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो जो यौगिक बनकर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे या फिर मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे। अब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना है किससे, OH से। मतलब ये हाइड्रोजन तो हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये OH जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम इसे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ये OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह हो गया और ये बेंजीन हो गया और OH एक ही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें हम इसका IUPAC नाम की, इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, तो देखिए किस तरह से IUPAC नाम लिख सकते हैं। काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हो गए अब इसमें। तो देखिए IUPAC नाम क्या बन जाएगा इसमें, जो OH समूह हो गया वो कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 1-hydroxy, 1-hydroxy। अब देखिए, अब ये द्विबंध है, यहां पर एक तो द्विबंध पहले कार्बन परमाणु से है, एक तीसरे से जुड़ा हुआ है और एक पांचवें कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हम, और 6 कार्बन परमाणु है और ये किस एक इनकी रिंग बनी हुआ है, यानी ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया यहाँ से इसमें। तो लगाएंगे सबसे पहले हम इसमें साइक्लो, 1-hydroxy cyclo, क्योंकि एक रिंग है ना बंद रिंग, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम इसके लिए, साइक्लो लगा देंगे। 1-hydroxy cyclo, कितने कार्बन परमाणु है, 6, 6 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का जो नाम होता है ना वो हेक्स होता है, 1-hydroxy cyclohex। आगे देखिए क्या आएगा इसमें, एक डैश लगाएंगे, द्विबंध पहले कार्बन परमाणु से, द्विबंधों की स्थिति लिखेंगे, एक तीसरे से और एक पांचवे से है, तो स्थिति हो गई 1-3-5, 1, 3 और कोमा 5, और 3 द्विबंध है, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम 3 द्विबंध के लिए, यहाँ पर लिख देंगे ट्राई, और ट्राई के साथ में हमें क्या जोड़ देना है, ईन जोड़ देना है, तो हम नीचे लिख देते हैं इसे, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई ईन, ट्राई ईन। ये 3 द्विबंध थे ना, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ट्राई ईन लगा दिया है, तो ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। तो हम इसका दूसरे तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूले को, ये तो हो गया फिनॉल का फॉर्मूला हो गया ना, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, C6H5OH भी हम इसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। मतलब हम इसे कहेंगे फेनिल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं हम इसे, OH आगे हमने जोड़ दिया इसमें। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फिनॉल की नेचर होती है ना, जो प्रकृति होती है, वो अम्लीय प्रकृति होती है। आप ये मत समझ लेना कि इसमें OH समूह उपस्थित है और जिनमें OH होता है वो तो अक्षारीय प्रकृति का होता है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे अगर इस तरह से अगर समझोगे। बल्कि ये किस प्रकृति का होता है, किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, क्या देता है, ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन दाता कार्य करता है H पॉजिटिव का, वो भी OH समूह से। ये तो खैर आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी अम्लीय प्रकृति को समझाइए, तो आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फिनॉल के बनाने की विधि और गुण और उपयोग, ये आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।